अब रुख करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यूपी से होकर गुजरने वाले व्यापार भी देश के लिए अच्छा संकेत है। कुछ समय पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे को लॉन्च किया था। इसी के तहत लखनऊ में एक कार्यक्रम रखा गया जहां निर्यात को लेकर काम करने वाली कंपनियों और सहयोगियों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार में कैबिनेट सिद्धार्थनाथ सिंह और अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल मौजूद रहे। मंत्री सिद्धार्थनाथ ने कहा कि उभरते सितारे की शुरुआत देश और प्रदेश के लिए अच्छा संकेत है। ऐसे में यूपी के सभी जिलों में कार्यक्रम का स्टार्टअप को लेकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में कहा कि इससे प्रदेश में आयात और निर्यात करने में सहूलियत मिलेगी, साथ ही पूर्वांचल को विकास की रफ्तार से जोड़ा जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में अब नंबर वन बने और इसलिए उत्तर प्रदेश हमेशा रीढ़ की हड्डी बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी निर्यात जब बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो भारत का बढ़ता है और उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल बहुत है। उस दृष्टि से उभरते सितारे का आज एक कार्यक्रम था लखनऊ के अंदर, जिसका लॉन्च किया था निर्मला सीतारमण जी ने, सिडबी और एग्जिम बैंक का के माध्यम से लॉन्च हुआ है और उसको एक्सपोर्टर्स को किस प्रकार से इनके नई टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ा जा सकता है, उनकी हैंड होल्डिंग कैसे की जा सकती है, स्टार्टअप्स को कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेके उत्तर प्रदेश ने लीड ली है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में ये कार्यक्रम चलेगा, जिससे कि निर्यातक जो हैं उनको इसका लाभ।